परमात्मा दे रंगां नूं समझना बंदे दे वास दी गल नहीं, उस परमात्मा तो डर के रहना ही चंगी गल है, क्योंकि पता नहीं किहड़े वेले उस परमात्मा ने राजा तो भिखारी बना देना है। ते ना ही सानू किसी चीज़ का माण करना चाहिए है। एक छोटी जी गलती बंदे नूं कित्थे तो कित्थे पहुँचा दिंदी है, इस गल का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। तो जिंदगी नूं जिहा घाटा पै जाता है जिसनों कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। अज इस गल बारे आपां तुहानूं दसण जा रहे हाँ, उसनों सुन के तुहाड़ी रूह कंब जाएगी। परमात्मा दे खेल तमाशे देख के अंदर एक डर बैठ जाएगा, तो हर वक्त तुहानूं परमात्मा ही याद रहेगा। इत्थे एक अजिही घटना होई जिसने करोड़ों रुपया नूं एक पल दे विच ही सुवाह करके रख दिता, तो परिवार नूं दर दर भटकण दे लई मजबूर कर दिता। एक गल है जनाला दे नाल लगदे पिंड दी, जिथे पिछले 3 सालों तो एक 32 साल नौजवान मंजे दे उत्ते लाश दी तरह पिया होया अपनी जिंदगी गुजार रहा है। उस नौजवान का नाम सुखप्रीत सिंह सुख है, जो कि 32 साल का है। एक बड़ी ही अजीब तो बड़ी दुखदाई हालत के पिया होया सुखप्रीत एक जिंदा लाश बन चुकिया है। सारा शरीर एकदम डेड है, मुँह तो नक् के पाइपां लगिया हुई ने, जिन्हां दे नाल दिन दे विच थोड़ा थोड़ा पानी या खाना दिता जाता है। अखां खुलियां हन पर शरीर हिल नहीं सकता, एक तरह कोमा की हालत ही है। अजिही हालत के सुखप्रीत किवें पहुंचिया, की है कारण उसकी इस हालत का, इस दे पिछे दा कारण जान के तुसी हैरान हो जावोगे ते अंदर तक कंब जावोगे। इस दी इस हालत दे पिछे एक खतरनाक सप है। सिर्फ एक डंग ने 5 जिंदगियां खराब करके रख दित्तियां, सिर्फ एक डंग ने करोड़ां लखां रुपया सवाह करके रख दिता, ते पिछे रह गए परिवार दे अखां दे विच हंजू। बड़ी दुखी हिरदे नाल सुखप्रीत दी माता ने दसिया कि अज तो 3 साल पहला उस दे लड़के सुख नूं एक सप ने घर दे विच ही डंग लिया सी। कुछ समय इलाज तो बाद वह ठीक तो रहा, पर अंदर ही अंदर उसके शरीर के कुछ चल रहा है, जिस गल का किसी को पता तक नहीं लग्या। देखद्या ही देखद्या सुखप्रीत दे नाल कुछ अजिहा हो गया जिसका पता परिवार को भी नहीं लग्या। जदों तक पता लग्या उदों तक बहुत देर हो चुकी सी। सप के डंगण तो बाद इलाज तो चलिया पर वह पूरी तरह ठीक नहीं होया। पहला तो चल फिर सकता सी, पर सप का जहर बहुत ज़्यादा भयानक सी, जिसने स्पाइनल कॉर्ड के उत्ते वार किया, तो वह जहर इन्ना भयानक सी कि उसने हौली हौली असर किया। हौली हौली कर उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिता। पहला तो वह खुद इलाज करवाउंदा सी, पर सप का जहर उसके दिमाग के उत्ते हावी हो गया, जिस दे नाल उसके दिमाग का शरीर के उत्ते कंट्रोल खत्म हो गया, तो उसने इस हालत के पहुँचा दिता। एक अजिही हालत जिसनों देखना भी मुश्किल हो जाता है। इलाज के उन्होंने सारी पूंजी लगा दिती, उन्होंने सारी जमीन जायदाद भी बिक चुकी है, पर हाले भी करोड़ों रुपया लगाने तो बाद भी उसकी हालत कोई सुधार नहीं है। दस दईए कि सुखप्रीत के परिवार के उसकी माता, उसकी घरवाली ते 2 बच्चे हैं, जो कि हुण बहुत मुश्किलों के नाल घर का गुजारा कर रहे हैं। इन्ने माड़े हालात के उपरों घर की दशा भी माड़ी हो चुकी है, मुश्किल के नाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है। जदों उन्हां दी माता दे नाल गल की गई तो उन्हां दी माता दे कोलों गल तां नहीं होई, बस हंजू ही दिखाई दिते। जिसका नौजवान पुत्र इंज लाश बन के सामने पिया होवे, उसे बच्चे नूं कदी इस वेड़े दे विच खड़ाया होवे, उस दी हालत देख के उस दी अखां किवें सुक्कियां रह सकदियां हन। दस्या जांदा है कि घर दे विच होर कोई भी कमाई का साधन नहीं है। सुखप्रीत दी घरवाली दे पेके ही सारा खर्चा पानी दे रहे ने, क्योंकि उन्हां दा अपना भी सब कुछ बिक चुकिया है। बाकी रह गई गल सुखप्रीत दे इलाज दी, एक NGO ने उस परिवार की बांह फड़ी है जो इसका सारा ख्याल रख रही है, पर वो काफ़ी नहीं, क्योंकि जो हालात सुखप्रीत के हैं उसनों बहुत वड्डी मदद की लोड़ है। सो एक डंग ने किवें करोड़ों रुपया पल दे विच ही खत्म कर दिता। एक सप का डंग मार के चलिया गया, पर उसके पिछे 5 जिंदगियां हमेशा लिए खराब करके रख दित्तियां। एक सप जिसने किल्लियां दे किले खेत ही खा लए ते छोटियां छोटियां जिंदगियां दे विच जहर घोल के रख दित्ती। सप है तो एक कुदरत का जीव, पर उस कुदरत ने किन्हां कर्मां का बदला लिया इस परिवार के कोलों, ये तो वह परमात्मा ही जान सकता है। सो परमात्मा तो डर के चलना ही समझदारी है, उसकी इजाजत तो बिना पत्ता तक नहीं हिलता। इस परिवार को लोड़ है तुहाड़ी मदद की, क्योंकि असल सेवा इसी तरह के परिवारों की मदद करन दे विच है। इत्थे ही दसवंध का असल अर्थ निकल के सामने आता है।